शहर के नए संशोधनों को प्रोत्साहन व व्यासपीठ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भले ही हमेशा की तरह इस वर्ष भी 14 मार्च की शाम 6 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में महापौर इनोवेशन अवार्ड का आयोजन किया जा रहा था, किंतु राज्य सरकार की ओर से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। बताया जाता है कि जहां भी लोगों की भीड़ जुटने का अंदेशा है, ऐसे में मनपा से संलग्नित सभी कार्यक्रमों को फिलहाल रद्द करने का निर्णय प्रशासन की ओर से लिया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट पर नए संशोधकों की ओर से प्रवेश शिकायत भी भेजी गई थी, जिसमें 100 नए संशोधकों के साक्षात्कार लेकर 50 का चयन भी किया गया था, जिन्हें सम्मानित किया जाना था, किंतु कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब इसे टाल दिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज, नागपुर। नागपुर महानगर पालिका की तरफ से जो मेयर इनोवेशन अवार्ड था वो हमने पोस्टपोन किया है। बाकी भी कार्यक्रम जैसे जैसे आएंगे तो सिचुएशन को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आम जनता से यह निवेदन है कि बहुत बड़ी संख्या में अपन एकत्रित ना हो और हर तरीके से जो जो प्रिकॉशंस अपन ले सकते हैं वह लेने चाहिए। सैनिटाइजर से हर एक घंटे के बाद में हाथ धोना चाहिए। बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पर लोगों से मुलाकात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं दूरी बरतना चाहिए। एक दूसरे से बातचीत करने में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और ये सारे के सारे चीज़ों को अगर अपन संभालेंगे तो निश्चित तौर से इसका फायदा होगा। अभी तक के ऐसा कोई निर्णय माननीय कलेक्टर साहब ने लिया नहीं है, लेकिन उनकी भी कंटिन्यूस मीटिंग शुरू है। स्कूल और कॉलेजेस बंद करना शुरू करना ये माननीय कलेक्टर साहब का डोमेन है। वो कहीं ना कहीं निर्णय अच्छा सोच के ले रहे, लेकिन स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, बड़े बड़े शॉपकीपर्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने दुकान के बाहर में सैनिटाइज़र रखें। सैनिटाइज़र नहीं मिलता तो कोई भी इस तरीके का स्प्रे रखें। लोग अपने हाथ कम से कम उससे धो के अगर अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं उससे भी अपन इसका मुकाबला कर पाएंगे।